तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कैसे रोमन न्यूमरल्स को फॉर्म करते हैं। तो पहला रूल जो है बताया गया है कि रोमन डिजिट्स में हम लोग आई एक्स और सी को 3 टाइम्स सक्सेशन में रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक बार में 3 बार लगातार इसको लिखा जा सकता है। 3 बार से ज़्यादा हम लोग इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। और उसके पहले हम लोग समझ लें कि देखिए आई का मतलब होता है 1, एक्स का मतलब होता है 10 और सी का मतलब होता है 100। यहाँ पे 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि 0 को हम लोग रोमन नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब यहाँ जैसे देखिए ये 1 है, आई को सिंगल बार लिखा है तो 1 हो गया, 2 टाइम्स लिखा है 2 हो गया, 3 टाइम्स लिखा है 3 हो गया। तो किसी भी रोमन नंबर्स को सक्सेशन यानी एक साथ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते एक साथ। वैसे ही देखिए एक्स को 3 बार रिपीट किया, एक्स अगर एक बार लिखा गया तो 10 होगा, 2 टाइम्स लिखा गया तो 20 होगा, और अगर 3 टाइम्स लिखा जाए तो 30 होगा। 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते एक साथ। हाँ, लेकिन जैसे अगर 39 लिखना है तो हम लोग लिखेंगे ट्रिपल एक्स और देन 9। तो ये लगातार केवल 3 बार ही रिपीट हुआ है, और उसके बाद फिर आपका क्या आ गया है, आई आ गया है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये कहलाएगा हम लोग का 39। नेक्स्ट नोट का बात करें कि कोई भी डिजिट जो है 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है रोमन नंबर्स में, रोमन न्यूमेरल्स में। जैसे बताया गया कि आई एक्स और सी जो है 3 टाइम्स से ज़्यादा सक्सेशन में रिपीट एक साथ रिपीट नहीं हो सकता है। केवल आई एक्स और सी का ही रिपीटेशन अलाउड है। इसके अलावा हम लोग और भी सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे वी का यूज़ करते हैं, एल का यूज़ करते हैं और डी का यूज़ करते हैं। इसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वी वी नहीं लिख सकते हैं, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो रिपीटेशन केवल अलाउड है किसका, आई एक्स और सी का। नेक्स्ट रूल का बात करें, व्हेन अ डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट और आफ्टर अ डिजिट ऑफ हायर वैल्यू द वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट आर एडेड। मतलब ये बताया गया है कि अगर लोअर वैल्यू का कोई भी रोमन न्यूमरल्स लिखा जाता है किसी हायर न्यूमरल्स के राइट में तो उसको ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें तो देखिए यहाँ बताया गया है ये है हायर न्यूमरल्स 5 और उसके बाद रिपीट किया है राइट में जो है उसके बाद लिखा गया है आपका 1। तो इस तरह का नंबर रहेगा, तो अगर लेफ्ट में बड़ा राइट में छोटा तो इसको ऐड करेंगे, तो यानी कि 5 + 1 = 6 हो जाएगा। वैसे ही देखिए आपका यहाँ लेफ्ट में बड़ा है और राइट में छोटा है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, एक्स का मतलब 10 और वी का मतलब 5, तो 15 हो जाएगा। एल एक्स वी है तो एल का मतलब होता है 50, 50। उसके बाद उससे छोटा नंबर आया है यानी कि 10, तो इसको ऐड कर दें, तो उसके बाद उससे भी छोटा आया है तो 5, इसको भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 65। नेक्स्ट रूल का बात करें, व्हेन अ डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट। अब जो है आपका लोअर वैल्यू वाला लेफ्ट में लिखा जा रहा है और हायर वैल्यू वाला राइट में लिखा जा रहा है, तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो सबट्रैक्ट करते हैं हायर में से लोअर वैल्यू। जैसे कि ये देखिए 1, आई का मतलब 1 लिखा गया और ये वी का मतलब 5, तो यानी कि ज़्यादा बड़ा वाला नंबर राइट में है और छोटा वाला नंबर लेफ्ट में है, तो ऐसे केस में हम लोग बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा -1, यानी ये क्या रिप्रेजेंट हो गया, 4 रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पे देखें
तो ये 10 है और ये दोनों नंबर को देखें, तो इसको सबसे पहले तो हमने 10 लिख दिया। देन आप क्या लिखेंगे, तो आप देखें यहाँ पे आई का मतलब 1 और एक्स का मतलब 10, तो 10 से 1 छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और वो भी लेफ्ट में आया है तो ये जो है सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो 10 माइनस 1 यानी कि 10 प्लस 9 19 हो जाएगा। नेक्स्ट आप नंबर देखें, देखिए लेफ्ट में छोटा है और राइट में बड़ा है तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 1 यानी 9। यहाँ देखिए ये 10 है और L का मतलब 50 यानी 50 के पहले 10 यानी लेफ्ट में हम लोग का छोटा है राइट में बड़ा है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से 10 को। देन जो है L के बाद 5 आया है यानी राइट में छोटा नंबर आया तो ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे तो 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 5 45। एक और बात ध्यान रखें हम लोग, एक्स के पहले हम लोग कभी भी 5 को नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये एक्स है हम लोग का यानी कि 10, इसके पहले ऐसा 5 नहीं लिख सकते हैं, ये अलाउड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो वी को हम लोग एक्स के पहले कभी भी लिख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट रूल का बात करें हम लोग, रूल नंबर 4, इफ वी हैव राइट अ नंबर बियॉन्ड 10, वी शुड राइट द नंबर 10 और ग्रुप ऑफ द नंबर 10 एंड देन नंबर 1 और 5 एज द केस में बी, देन द नंबर आर यूज टू चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल। तो कोई भी नंबर अगर 10 से बड़ा हम लोग को लिखना है तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो 10 10 के ग्रुप में एक्सपैंड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 को हम लोग को लिखना है तो 12 को हम एक्सपैंड करें तो क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2। अब इस 2 को भी एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 प्लस 1। 10 को हम लोग रोमन में क्या लिखते हैं, एक्स, 1 को लिखते हैं आई और फिर से 1 को लिखते हैं आई तो ये हो जाएगा 12। 26 को लिखना है तो एक्सपेंड इसको कर दिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 20, और 6 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 तो देन यह क्या हो जाएगा, एक्स 10 के लिए, फिर से एक्स 10 के लिए, 5 के लिए V और 1 के लिए I तो ये हो जाएगा 26। तो इस तरीके से हम लोग नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर किसी भी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है तो इसका सिंबल का मतलब होता है कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाना जो भी नंबर लिखा है। तो जैसे एक्स बी का ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है तो एक्स बी का मतलब हो गया 15, ये हो जाएगा 15 और ये इसका 1000 टाइम्स यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाएगा आपका 15000। एक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है तो एक्स का मतलब 10 और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो लाइन ऊपर हॉरिजॉन्टल का मतलब 1000 टाइम्स तो ये हो जाएगा 10000। नेक्स्ट है CLV, तो C का मतलब होता है 100, L का मतलब होता है 50 और V का मतलब होता है 5 और इसमें कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 टाइम्स। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,55,000। अब हम लोग को सीखना है कि कैसे अगर कोई भी नंबर डेसिमल में दिया है तो रोमन में कैसे कन्वर्ट करें। तो रोमन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और देन जो है उसको कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमेरल्स में। जैसे 89 है तो 89 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 9। 80 को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। और 9 को 9 ही छोड़ दें। अब देखिए इसको कैसे लिखें, तो 50 को लिखते हैं L, 10 को लिखते हैं X, X 3 टाइम्स, और 9 को क्या लिखेंगे, I और X। तो ये हो जाएगा हम लोग का 89। 97 लिखना है, यानी कि 90 प्लस 7। तो इसको कैसे लिखा जाए, तो 90 को लिख सकते हैं कैसे, तो 100 माइनस 10, और 7 को 7 ही छोड़ दें। तो 90 के ऊपर वाले नंबर को हम लोग सी से लिखेंगे। अब 100 माइनस 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स और सी, सी के लेफ्ट में एक्स लिखा गया है, यानी कि 100 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा। और 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी आई आई, तो ये हो जाएगा 97। 146 लिखना है तो एक्सपेंड करें इसको, 100 प्लस 40 प्लस 6। इसको कैसे लिखेंगे आप, तो 100 को 100 ही छोड़ दें, और 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 40 को लिख सकते हैं आप 50 माइनस 10, क्योंकि 50 के पास ये नंबर है क्लोज में है, तो 50 माइनस 10 आपने लिखा, और 6 को 6 ही छोड़ दें। तो 100 के लिए सी होगा, 50 माइनस 10 के लिए एक्स एल, लेफ्ट में एक्स और राइट में एल, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 6 के लिए वी और आई, तो ये हो गया 146। 410 को लिखना है, तो 410 को कैसे लिखे, तो एक्सपेंड करें इसको, 400 प्लस 10। 400 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 500 माइनस 100 प्लस 10। 500 के लिए हम लोग यूज करते हैं डी को, और सी 100 के लिए, तो 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो उल्टा हम लोग लिखेंगे, पहले सी और देन डी, लेफ्ट साइड में छोटा और राइट साइड में बड़ा नंबर, और 10 के लिए एक्स, तो ये हो जाएगा 410 हम लोग का। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए रोमन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सी के लिए हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, 100, और साथ में नेक्स्ट लिखा गया है 9, तो 100 प्लस 9 109 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर को देखें आप, तो सी के लिए क्या होगा, 100 होगा, प्लस एल के लिए क्या होगा, 50, एक्स के लिए 10, और देन आई एक्स है तो 9, इसको ऐड कर देंगे तो 169। नेक्स्ट नंबर को देखें, सी के लिए 100 हम लोग लिखेंगे, और अगेन सी एक्स सी लिखा है, तो एक्स सी यानी कि छोटा नंबर पहले है, बड़ा नंबर बाद में, सब्ट्रैक्ट होगा, तो यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग 100 माइनस 10, और देन जो है आई वी है, इसका मतलब 4। अब इसको फिर से हम लोग एक बार सॉल्व करें, तो 100 प्लस 90 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 190
अब एक ट्रिक है यहाँ पे याद करने के लिए कि कैसे हम लोग बड़े नंबर्स को याद कर सकते हैं रोमन में। तो छोटे नंबर्स को तो हम लोग को पता है कि आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10। अब उससे भरा नंबर जैसे 50, 100, 500 को कैसे हम लोग रिमेम्बर कर सकते हैं, तो इसके लिए एलसीडी मॉनिटर, कंप्यूटर का जो एलसीडी मॉनिटर होता है उससे याद कर सकते हैं। तो एल हो जाएगा आपके 50 के लिए, सी उससे अगला बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा 100, और डी उससे भी बड़ा हो जाएगा 500, और एम उससे भी बड़ा 1000। तो एलसीडी मॉनिटर से हम लोग याद रख सकते हैं लार्जर नंबर जो कि रोमन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आज यहीं तक।